बहुत से लोगों ने हमसे फरमाइश की कि हम उनको प्रॉन्स बनाना सिखलाएं, तो आइए आज आपको प्रॉन करी बनाना सिखलाते हैं। इसके लिए हमें ये चंद एक चीज़ें चाहिए होंगी, जिसमें सबसे पहले तो हमें प्रॉन्स की ज़रूरत होगी। ये हमने हाफ के जी प्रॉन्स लिए हैं, किंग प्रॉन्स हैं, जिनको कि हमने साफ़ कर लिया है। टू मीडियम साइज टोमेटोज लिए हैं, वन मीडियम साइज़ का अनियन लिया है, थ्री क्लोव्स ऑफ गार्लिक ली हैं, और बिल्कुल छोटा सा पीस जो है वो हमने जिंजर का लिया है। स्पाइसेस में 3/4 टीस्पून जो है सॉल्ट है, 3/4 टीस्पून चिली पाउडर, 3/4 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 1/3 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, और 3/4 टीस्पून जो है वो हमको कोरिएंडर पाउडर चाहिए होगा। कुछ हमने ग्रीन चिलीज ली हैं और फ्रेश कोरिएंडर लिया है। अब सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल जो है वो हम फ्राइंग पैन में लेकर उसमें अपना जो अनियन है उसको स्लाइस कर लेंगे। अनियन जो है वो हमने बहुत फाइनली बारीक बारीक स्लाइस करना है, वो इसलिए कि इसमें ये अनियन जो है ये गलेगा नहीं। जितनी देर में हमारे अनियंस जो हैं वो थोड़े से लूज होते हैं, हम जिंजर और गार्लिक जो है उसको पीस लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा बनेगा ये भी। साथ ही हम टोमेटोस को काट के बारीक बारीक तैयार कर लेंगे। चूंकि ये बड़ी तेजी से पक जाने वाली डिश है, तो हर चीज तैयार ही हो तो बेहतर है। अब ये देखिए, हमारे जो अनियंस हैं उनका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है, तो इस वक्त हमने गार्लिक और जिंजर डाल के थोड़ा सा हिला लेना है। जब आपको लगे कि थोड़ी सी खुशबू आई है गार्लिक और जिंजर की और वो थोड़ा तला गया है, तो आप इसमें टोमेटोज ऐड कर दें, और साथ ही जो चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर और क्यूमिन सीड्स थे वो हम ऐड कर देंगे। और इसको हमने थोड़ा सा हिला कर और आँच जो है स्टोव की वो बिल्कुल लो पे कर देनी है, ताकि ये अपने दम में जो है बनता रहे, गलते रहे टमाटर जो हैं। और दूसरी तरफ जो है एक फ्राइंग पैन में थोड़ा खुला ऑयल लेंगे और उसमें हमने प्रॉन्स जो हैं उनको तल लेना है। उनको अच्छा तलना है, यहाँ तक कि वो थोड़े से गोल्डन दिखाई देने लगें, वरना यह है कि उसमें से आपको कच्चे की बू आएगी। यहाँ पर हम आपको एक बात और बताते चलें कि बाहर के ममालिक में ये जो डिश है ये कभी भी अच्छी नहीं बनती, और यही वजह है कि हम ये डिश घर में तैयार नहीं करते। तो हमारे यहाँ के जो प्रॉन्स हैं हमारे ममालिक के, उनका जायका जो है वो बिल्कुल और है। पाकिस्तान में जो झींगे मिलते हैं आप उनको इस तरह बनाकर देखें, बहुत ही लजीज बनेंगे, लेकिन बाहर के ममालिक में ये बात नहीं है। तो ट्राई कर लें, बेशक इसमें कोई हर्ज नहीं है, एक दफ़ा बना के देख लें। तो ये देखिए, तल कर हमने प्रॉन्स जो हैं वो निकाल लिए हैं, और साथ ही हमारा जो टोमेटोज और अनियन का मसाला था वो भी तैयार हो गया है। अब हम उस मसाले में जो प्रॉन्स हैं उनको ऐड कर लेंगे और इनको हम अच्छी तरह से हिला देंगे, ये कि मसाला जो है वो सारा प्रॉन्स को अच्छी तरह से चिपक जाए। फिर आप उसके ऊपर फ्रेश कोरिएंडर काट के डाल लें, और साथ ही जो ग्रीन चिलीज रखी हुई थी वो भी काट कर डाल लें। थोड़ी सी रेड चिलीज जो है वो हम ज़रूर इसलिए डाल लेते हैं कि डिश जो है वो बहुत खूबसूरत उससे दिखाई देने लगती है। और ये देखिए, अब जो प्रॉन्स हैं इसमें सारा कुछ हम ऐड कर चुके हैं जो भी हमने इसमें डालना था। अब हम इसको अच्छी तरह पर हिला के और हीट जो है स्टोव की वो लो करके इसको अब हम दम कर देंगे। फिर इस तरह होगा कि इस मसाले में जो हमने बनाकर प्रॉन्स जिसमें डाले हैं उसमें ये दम पर रोस्ट होते रहेंगे। तो कुछ देर आप इनको पकने दें जब तक कि ये अच्छी तरह से लाल ना दिखाई देने लगे। तो खुदा करे ये डिश आपकी अच्छी बने, लेकिन बाहर के ममालिक में अमूमन ये डिश जो है ये अच्छी नहीं बनती। तो ट्राई कीजिए। गुड लक। अल्लाह हाफिज़।